हाँ तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने ऑटो लेवल से किसी भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन का लेवल कैसे लें। ठीक है, एकदम इजी तरीके से बताएंगे स्लाइड्स के माध्यम से। जैसे भी कोई भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है उसका लेवल देना एकदम आसान कर देंगे हम इस वीडियो को, आप अगर पूरा देख लेंगे तो। ठीक है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं किसी भी जगह का अगर आपको ऑटोलेवल लेवल करना है तो आपको एक आरियल पता होना चाहिए। अगर आपको आरियल नहीं पता है तो आप एक आरियल मान लीजिए 100.00, जैसा कि मैंने माना है, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेल की पटरी का टॉप लेवल है। ठीक है, जिसे हम रेल बोलते हैं, पटरी नहीं बोलते हैं, रेल बोलते हैं। उसके टॉप का जो हिस्सा है उस पर हमने स्टार रख के रीडिंग लेना स्टार्ट किया है, उसी टॉप को हमने आरियल 100 मान लिया। ठीक है, क्या करेंगे जब हम अपने आईवेन से यहाँ से ऑटो लेवल से देखेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, इस रीडिंग को हम बैक साइड मान लेंगे। ठीक है, तो हमारी बैक साइड जो आ गई वो आ गई 1.2 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा, ये रेल के टॉप पे हमने 100.00 मानना है अपने से। अगर आपको पता है, ड्राइंग में दिया है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मशीन को सेट किया इस ज़मीन से लेके इतनी हाइट तक। ठीक है, ये हाइट प्लस इससे नीचे जो हाइट थी वो, ये दोनों मिल के हमारा बैक साइड आया 1.2 मीटर। अब 100.00 पहले ही हमने मान लिया, जैसे ये बेस है उसको हमने पहले ही मान लिया, उसके ऊपर इसको स्टाफ रखा, तो यानी कि ये जो आरियल है वो और बैक साइड दोनों ऐड होगा तो आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ तक ही हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 101.2 मीटर। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी बताते हैं आपको। जैसे कि कुछ इस तरह से आपका ज़मीन है। ठीक है, इस तरह से पूरे चौड़े में है, लेकिन हम बस एक चैनल में, मतलब इस जगह खड़े हैं और इसी सामने की सीधी लंबाई में पूरा 2-2 मीटर पे लेवल ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसा कि हम ये खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टाफ रखा। ठीक है, और इस तरह से रीडिंग ली, तो हमारा जो ये रीडिंग आएगा वो इंटरमीडिएट साइड आएगा, IS, जो कि आ गया 0.8। ठीक है, सेकेंड स्टाफ हमने रखा तो उसमें भी इसी तरह से रीडिंग ली, तो उसका इंटरमीडिएट साइड आया 1.1 मीटर। इसी तरह से थर्ड स्टाफ रखा और उसका रीडिंग लिया तो आ गया 0.9। इसी तरह से फोर्थ स्टाफ रखा, उसका रीडिंग लिया, आ गया 1 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ये वाली रीडिंग रखी और ये आ गई 0.95 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हमको यहाँ से कुछ और आगे तक देखना है, लेकिन इस स्टाफ से दिख नहीं रहा है हमको, मशीन अब चेंज करना होगा, चेंजिंग पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हमने बैक साइड के फोर साइड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रीडिंग रख, यहाँ पे कुछ ऐसा मार्किंग कर दिया जो कि हम इसका मशीन उठा के ले जाएंगे आगे, तो ये हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट है कि यहीं से हमें लेवल उठाना है। ठीक है, ये आरियल हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसका नाम जो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो आ जाएगी 4 साइड में 1.1 मीटर आ गई। ये सब हम एक समय में बताएंगे आपको कैसे इसको फिट कर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब यहीं पे हमने चेंजिंग पॉइंट अपने कर दी। ठीक है, तो अब आरियल हमें निकालना है सबका, तो HI में से IS निकालेंगे, जो HI हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला था उसमें से ये IS माइनस करते जाएंगे, आरियल निकलते जाएगा, और अंत में फोर साइड को भी माइनस करेंगे वो भी आरियल आ जाएगा। जब आगे ले जाएंगे तो इसी वाले पॉइंट पे हमें बैक साइड लेना होगा, जैसे हमने रेल के टॉप लेवल पे रख के आरियल लिया था, 100.00 माना था, लेकिन अब यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का आरियल हमें इस फोर साइड से निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक्सेल पे चलते हैं और एक्सेल पे आपको क्लियर भी बताते हैं कैसे काम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइनीज ऑफसेट, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरियल, रिमार्क्स, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, बैक साइड 1.2 आया था जब पटरी पे रखा था हमने, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आरियल में बैक साइड जोड़ा तो आ गया। अब जैसे आरियल हमने रियल का जो टॉप है उसको हमने आरियल 100.00 माना, अब जीरो चैनल पे एक जगह पे इस तरह से सीधे में देखना है। ठीक है, तो 2 मीटर पे आप सब पे हमने देखा तो 0.8 आया, 4 मीटर पे देखा तो 1.1 आया, 6 मीटर पे देखा तो 0.9 आया, 8 मीटर पे देखा तो 1 मीटर आया, और 10 मीटर पे देखा तो 0.95 आया।
सबका आर एस हमने निकाला एच आई एम से, आई एस घटा घटा के, जैसे 101.2 से ये घटाया, 101 से ये घटाया, 101 से ये घटाया, तो ये सब आर एल आ गया, ठीक है। और अंत में एच आई एम से फोरसाइट को भी घटाया, 98.9 आ गया। ये हमारा चेंजिंग पॉइंट कन्फर्म आ गया। अब इसके बाद जब आगे क्रिया काम क्रिया करेंगे तो इस तरह से आपको करना होगा। इस सी पी पॉइंट का जो 98.9 है वो इस वाले पॉइंट में हो जाएगा, फिर हम बाइक से बाइक साइड लेंगे यहाँ आ जाएगा, और दोनों हेडों के एच आई आ जाएगा। इसके बाद जो भी इंटरमीडिएट साइड आएगा नई एच आई से वो माइनस होते हुए जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी क्लियर कट कैसे आप लेवल से लेवल लेते हैं। तो मिलते हैं।